अस्सलाम वालेकुम जनाब, दिस इज एहसन अब्दुल्ला पटेल एंड आई एम टीचिंग S2 ए लेवल मैथमेटिक्स। सो टुडे आई एम डिस्कसिंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बाइनोमियल। सो द क्वेश्चन सेज रैंडम सैंपल ऑफ साइज 120 एन इज इक्वल टू 120 आर टेकन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल, दिस इज एन दिस इज पी, डिस्क्राइब फुली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। अब देखें, सैम्पल मीन का मतलब है कि एक्स बार फॉलो करता है हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा तो यहाँ पर म्यू आएगा और यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन आएगा। सब म्यू क्या है जनाब? म्यू आएगा हमारे पास एन इंटू पी करके, दैट विल बिकम 6 एंड सिग्मा स्क्वायर आएगा जनाब एन into p into q, so that would be 3.6. so I would say ke x bar will follow normal distribution, this will be written as 6 comma 3.6 upon 120. okay, find the probability that a mean of random sample of size 120 is greater than 6.1. so basically wo kya keh rahe hain, probability of x bar ग्रेटर देन 6.1 की बात करें। अब कंटिन्यूटी करेक्शन यहाँ पर हम क्यों नहीं करेंगे? उसका सिर्फ एक रीज़न ये है कि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 30 से बड़ी है। जब n की वैल्यू 30 से बड़ी होती तो हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज़ कर रहे होते हैं, अजम्पशन कर रहे होते हैं कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो कंटिन्यूटी करेक्शन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। सो ग्रेटर देन को पहले मैंने लेस देन में कन्वर्ट किया, लेस देन में कन्वर्ट करने के बाद दिस वुड बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेसर देन 6.1 माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 3.6 अपॉन 120, सो दैट वुड बिकम 1 माइनस 5 ऑफ एंड दैट वुड बी 5 ऑफ 0.5773। तो 5 निकाल लें एंड देन 1 में से माइनस कर लें, सो यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी। Next question. The random sample variable of x has the distribution this. So n is 10, p is 0.15. Find the probability that the mean of random sample x bar of 50 observations is greater than 1.4. So greater than ko nikalne ke liye hum 1 mein se minus karte hain. So similar question hai. बस यहाँ पर हमें म्यू चाहिए, तो म्यू वुड बी एन इंटू पी, दैट इज 1.5 एंड सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन शुड बी पी क्यू। ठीक है, क्योंकि एन से एन कैंसिल हो जाएगा, दिस वुड बी एन पी क्यू अपॉन एन, सो 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.85, राइट। So this would be 1.275 जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेसर देन 1.4 माइनस 1.5 अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन एन। एन हमारे पास अब जो है वो 50 लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने 50 सैंपल्स की बात की है क्वेश्चन में। तो जनाब ये बन जाएगा 1 माइनस 5 ऑफ ऑलरेडी माइनस में आएगा 0.5636। अब 1 में से माइनस हो रहा है तो, और क्योंकि ये माइनस में है तो ऑलरेडी 1 में से माइनस है और फिर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा ये, और ये फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 0.734। अच्छा अब देखें, इसके अंदर हमने यहाँ पर जो म्यू निकाला है
1.5 है, जब यहाँ पर हमने म्यू निकाला है तो वो 6 है। अब देखें यहाँ पर हमने कंटिन्यूटी करेक्शन नहीं की, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि भाई एन जो है वो हमारा क्या है जनाब 30 से बड़ा है। लेकिन एक चीज़ हम बोल रहे हैं कि ये जनाब यहाँ पर हम जब बैक एंड पे हम एन पी देख रहे हैं तो वो हमारा 5 से छोटा है, तो क्योंकि हमारा जो एन पी है वो लेसर देन 5 है तो हमने यहाँ पर कंटिन्यूटी करेक्शन का भी ध्यान रखना है। तो कंटिन्यूटी करेक्शन यहाँ पर किस तरीके से की जा रही है, तो यहाँ पर हम कंटिन्यूटी करेक्शन कर क्यों रहे हैं, सवाल ये पैदा हो रहा है। सवाल इसलिए पैदा हो रहा है कि भाई एन पी की जो वैल्यू जो 5 से छोटी है, तो जब एन पी की वैल्यू 5 से छोटी होती है तो हम उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर नहीं सकते। तो हमने जो वर्किंग की है म्यू की और हमने जो वर्किंग की है सिग्मा स्क्वायर की, तो वो तो हमने एन पी लेसर देन 5 के लिए की है। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर मुझे कंटिन्यूटी करेक्शन देखना पड़ेगा। तो जनाब ये लिखा जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेसर देन। अब कंटिन्यूटी करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो x बार की वैल्यू है अब वो 1.4 नहीं लिखी जाएगी बल्कि 1.4 प्लस 1/2n हो जाता है। तो प्लस 1/2n का मतलब यही हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बार लेसर देन 1.4 प्लस 1/100। तो जब हम 1/1.4 में प्लस करेंगे 1/100 दैट वुड बिकम 1.41। तो ये है जनाब हमारी कंटिन्यूटी करेक्शन की वजह। ऑल्दो हमारा जो n है वो 30 से बड़ा है। चलिए ये बन जाएगा z लेसर देन 1.41 माइनस 1.5 अपॉन, वो सारी चीजें बाकी वैसी की वैसी रहेंगी और जनाब फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है इसका 0.714। चलिए एक करेक्शन है, वो करेक्शन है ये वैल्यू ना, जनाब ये जो वैल्यू बन रही है माइनस 0.626। ये हमने किया जनाब कंटिन्यूटी करेक्शन। जी अब वो ये कह रहे हैं द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ स्नेक इज मॉडल्ड बाय द रैंडम वेरिएबल एक्स विद मीन 52 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा अब देखिए मीन जो है वो हमें दिया 52 और स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई 6.1। ओके रैंडम सैंपल लिया गया है 75 का, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 51 टिल 53। तो जनाब इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार लेसर देन 53 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार लेसर देन 52। अब अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा ना, ये हमारी 52 की वैल्यू है, ये हमारा 53 है और ये हमारा 52 है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई हमें जो पोर्शन चाहिए बेसिकली ये वाला चाहिए ना बीच वाला, इस बीच वाले पोर्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, बेसिकली हम 1 में से माइनस कर सकते हैं वो वाला पोर्शन दो दफा, जो कि x बार लेसर देन 52 51 वाला है
और ये करेक्शन है 52 नहीं है बल्कि ये 51 होगा सॉरी। अब क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है तो इसीलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। खैर इन शॉर्ट जब पूरा सॉल्व करेंगे दैट विल बिकम 0.844।